हाय, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बूस्टर पंप के बारे में, प्रेशर पंप के बारे में कि प्रेशर पंप होता क्या है, एक्चुअल इसका नीड कहाँ होता है। लोग आके कई क्वेश्चन होते हैं कि हीट प्रेशर पंप होता क्या है, ये कहाँ लगते हैं और किस तरह का यूनिट होता है, कैसे इसका सिलेक्शन किया जाए। मैं अभी आपको एक सिस्टम दिखाऊंगा, ट्विन बूस्टर पंप। ये आईपीएल ब्रांड का है, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं इन पंप का। और मैं भी आपको लाइव सिस्टम दिखाता हूँ कि सिस्टम होता कैसे है। जैसे आप यूनिट देख रहे होंगे, ये ओवरऑल यूनिट है। इसका जो नाम है वो ट्विन बूस्टर सिस्टम कहते हैं हम लोग इसको। इसमें आप देख सकते होंगे दो पंप है लगे हुए, और इसके साथ ये जो है ये पैनल है। ये ज़्यादातर कॉमर्शियल प्लेसेस में लगते हैं या जहाँ पे नंबर ऑफ बाथरूम ज़्यादा हो, लाइक जहाँ पे 10 बाथरूम हो, 12 बाथरूम हो, उन जगह के लिए ये सिस्टम होता है। और जो जितने भी होटल्स वगैरह देखते हैं या जितने भी बड़े रेस्टोरेंट देखते हैं या आप हॉस्पिटल की बात करेंगे, तो उन जगहों पे जब भी आप देखेंगे कि प्रेशर से पानी आता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्विन बूस्टर या कोई भी बूस्टर वहाँ लगे होते हैं, उसी से वो ज़्यादातर प्रेशर पे पानी आता है वहाँ से। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोग इसे डिज़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली और भी कंपनी बनाती है, वो लोग सिर्फ पंप सप्लाई करते हैं। हम कंप्लीट यूनिट आप देखते होंगे, ये पूरा एसएस में है। जो आप सिस्टम देख रहे हैं कंप्लीट एसएस में है। छत पे अगर रहे या ओपन एरिया में भी रहे तो इसमें रस्ट वगैरह लगने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये हेडर है, इसको हम लोग हेडर कहते हैं। ये बेस है और ये जो देख रहे हैं ये भी हेडर है। तो इसमें ओवर यूनिट सारा एसएस में है। अगर हम बात करेंगे शुरू से कि ये वर्किंग कैसे करता है, तो हम लोग पहले जो वाटर टैंक से पानी होता है वो हम लोग इनलेट में लेते हैं, इनलेट से फिर हम लोग आउट करते हैं पानी को। तो और उसके अलावा जो दो पंप देख रहे हैं, इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये सारा हमारा पैनल बेस्ड फंक्शनिंग है। इसके अंदर क्या होता है, जो हम लोग दो पंप लगाने का मकसद ये होता है हमारा कि इसमें वन स्टैंड बाय वन वर्किंग सिस्टम होता है। ये जैसे कि एक यूनिट चल रहा है, अगर दूसरा फिर स्टार्ट होगा तो एक बंद रहेगा फिर दूसरा चलेगा, ऑल्टरनेट ये वर्क करता है। और सारा फंक्शनिंग ये हमारा पैनल से होता है। ये आप पैनल देख सकते होंगे, ये पैनल आप दिखाइए जरा गौर करके इसे। इसमें आप देखिए, इसमें टॉगल रिले लगा हुआ है, बाकी हर एक चीज़ों का अलग अलग सब कुछ है। इसके अंदर एमसीबी लगा हुआ है, दो पंप है, दो सेट इसके अंदर पूरा फंक्शनिंग किया गया है इसके अंदर, कि कभी भी अगर मान के चलिए कभी भी एक सिस्टम में प्रॉब्लम भी आ जाती है, यानी एक पंप में आकर आपका प्रॉब्लम भी हो गया तो दूसरा पंप आपका रनिंग में रहेगा। इसमें क्या होता है, वन स्टैंड बाय वन वर्किंग, कभी भी इसमें आपको पानी नहीं रुकेगा बिल्डिंग में, हमेशा आपको कंप्लीट वाटर मिलता रहेगा। और इधर इधर बात करेंगे हम ऊपर में, तो हमारे यहाँ सिग्नल भी है इसके अंदर। ये देखिए, ये ड्राई रन लिखा हुआ है। अगर आपके टैंक में पानी नहीं है तो ड्राई रन का सिग्नल देगा ये कि आपके टैंक में वाटर नहीं है। इफ इन केस कोई सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आती है, लाइक ये सब सारा सिग्नल देख रहे हैं, अगर एक पंप में आपका प्रॉब्लम आ जाए तो ये सिग्नल यहाँ पे देगा कि आपका एक पंप में प्रॉब्लम आ गया है। और अगर लगता है कि नहीं, ऑटोमेटिक में कोई इशू आ रहा है, तो आप मैनुअल पंप 1 पंप 2 इस तरह से भी आप रनिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ऑटो ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है पूरा इसके अंदर, और जो इसका यूजेस है, नंबर ऑफ बाथरूम्स को ये रन करा सकते हैं। और बाकी सारा कुछ देखिए, हम लोग ज़्यादातर ये फ्लेंज वगैरह सारे कंपनी हमारी बनाती है, स्ट्रॉन्ग सारा सिस्टम लगाते हैं हम लोग। जनरली कई कंपनी वो क्या बोलते हैं उसे, एक जो सिस्टम आता है यूनियन यूनियन बेस लगाता है, उसमें कई तरह के लीकेज का प्रॉब्लम होता है, बट इसमें वो लीकेज का इशू नहीं है। इसको अगर हमने बुक करना हो, पंप को खोलना हो, इजी हमने बोल्ट खोला और यहाँ से हमने पंप को रिमूव कर लिया। तो इसमें ओवरऑल जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये कॉम्पैक्ट यूनिट सिस्टम पूरा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है चीज़ें। और सारा इसमें देख रहे होंगे, ये जो स्विच लगे हुए हैं, इस स्विच को हम लोग डेनफो स्विच कहते हैं, डेनमार्क का स्विच होता है। और इसके अलावा हमारा इधर गेज लगा हुआ है, ये हमारा ये बताता है कि कितना प्रेशर है सिस्टम में। और ओवरऑल जितने भी आप देख रहे हैं, सारा कुछ चेक वाल वगैरह भी लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये बेसिकली जो आप ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट एसएस पंप है, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में ये पंप है। कई कंपनी के पंप्स आते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक के इम्पेलर डिफ्यूजर होते हैं, इसलिए कंप्लीट आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोग कंप्लीट एसएस देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ों को लेकर दिक्कत ना, और कंप्लीट हाइजेनिक सिस्टम है ये हमारा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।